एक दो दिन चार दिन पहले भी आप लोगों को बताया कि 16 तारीख से दिल्ली में रेनफॉल एक्टिविटी होगा और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी 15 से शुरू होगा, ऐसा मैंने बोल रखा ऑलरेडी। उसका है जो हो रहा है, अभी कल भी हुआ आज भी हो रहा है, ये रहेगा कल आज अनदर 12 घंटे तक रहेगा, मतलब मिड नाइट तक रह सकता है, नहीं तो कल मॉर्निंग तक ये एक्टिविटी रहेगी। अच्छा, इसका कारण ये है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अभी है जम्मू कश्मीर राजधानी एरिया में है, उसका प्रभाव से एक दूसरा वेदर गिविंग सिस्टम, उसका नाम उसका बोला जाता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वो भी अभी वेस्ट राजस्थान नेबरहुड में है। ये दोनों सिस्टम मिलकर, और इसको मच्छर मिला है अरेबियन सी से भी मिला है, बेया बंगाल से भी मच्छर मिला है दोनों सिस्टम के लिए, ये तीनों मिलकर आपको जो जो है रेनफॉल हो रहा है, प्लेन्स में थंडरस्टॉर्म हो रहा है, जो हिल गिरा और हिल एरिया में हेवी स्नोफॉल भी हो चुका है, इसके कारण हुआ ये सिस्टम, दोनों सिस्टम के कारण, और मच्छर दोनों को मिला है अरेबियन सी से, बेया बंगाल से मिला है, इसके वजह से हो रहा है। ये जो चल रहा है वेदर, जो रेनफॉल एक्टिविटी स्नोफॉल एक्टिविटी हिल में, ये चलेगा रात तक या मिडनाइट तक हो सकता, नहीं तो सुबह मॉर्निंग तक क्लाउडी रहेगा, बूंदाबांदी होता रहेगा, मतलब दिल्ली में। और है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश नॉर्थ राजस्थान में भी होगा, 24 घंटा आने वाले 24 घंटे तक रहेगा। हिल में भी जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जो स्नोफॉल रेनफॉल हो रहा है वहीं पर भी 24 तक, मतलब अनदर 24 आवर्स रखेगा। जम्मू कश्मीर में 48 आवर्स तक रखेगा, जम्मू कश्मीर में 48 आवर्स रहने के जम्मू ना, बाकी एरिया में 24 आवर्स तक ये वेदर रहेगा। इसका मतलब 19 से क्लियर होने का संभावना है जम्मू कश्मीर छोड़कर, बाकी एरिया में जो जो एक्टिविटी हो रहा है वो बंद होने का संभावना है। बाकी कल से फॉग कंडीशन शुरू होगा, अर्ली मॉर्निंग में जो फॉग होता रहे ना, फॉग डेंस फॉग की चांसेस है दिल्ली में और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फॉग कंडीशन चांसेस है कल से। कल से मिनिमम टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब धीरे धीरे कम होता रहेगी, बढ़ेगी नहीं है कम होगा, 2 से 4 डिग्री कम होने का संभावना कल से 20-22 तक बीच में। इसका मतलब थोड़ा सर्दी फील करेंगे आप कल से। मैक्सिमम टेम्परेचर जो जितने फॉल होगा आज फॉल होगा, कल से थोड़ा राइज होने का संभावना है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर 19 से कम होगा। रिपब्लिक डे में फॉग सुबह हो सकता है, रेनफॉल नहीं होगा रिपब्लिक डे, जो आने वाला 25 मतलब 26 जनवरी में सुबह सुबह हो सकता है आपको फॉग कंडीशन रखेगा, फिर लिफ्ट हुई होने की संभावना है, लेकिन बारिश नहीं होगा। इसका मतलब फेयर वेदर रहेगा रिपब्लिक डे में। जो फॉगी कंडीशन की आपने बात कही है, ये पूरे उत्तर भारत में इस तरीके की कंडीशन? हाँ जी, फॉग कंडीशन तो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश राजस्थान हमारा एरिया में तो होने का, बाकी अदर एरिया में बिहार में उधर इसमें भी हो सकता है, लेकिन वो बोलेंगे हम नहीं बोल सकते, वो है वो डीजीएम ऑफिस से आप ले सकते हैं, NWFC एक सेक्शन है वहीं से ले लीजिए। बाकी नॉर्थ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश नॉर्थ राजस्थान दिल्ली चंडीगढ़ में 19 से फॉग कंडीशन शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो 2 से लेकर 4 डिग्री तक डिक्रीज होने का संभावना है 19 से लेकर 22 तक बीच में। फिलहाल आज कितना टेम्परेचर जो है? आज देखिए अभी है 15-16 तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 के आसपास रखेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। कल मिनिमम टेम्परेचर 7 तक आने का संभावना है कल मॉर्निंग, जा सकते अगले एक हफ्ते तक भी ठंड इस तरीके से लगा थोड़ा ठंड, मतलब ठंड वो मतलब जैसा फर्स्ट वीक जनवरी में उतना नहीं होगा आपको, जो अभी है इतना जितना ठंड उससे जो है ठंड ज्यादा मिलेगा।